कि संजय जायसवाल जी जो बोल रहे हैं उनका हास्यास्पद बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी आए तो आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने की। मुख्यमंत्री बने तब से उनके ऊपर जवाबदेही आई ना, उसके पहले कैसे करती, तो बोलना ही अपने आप में फिजूल की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग श्रेय लेना चाहते हैं कि हम थे इसलिए हो गया। सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी के लोग तो टोटल आरक्षण विरोधी हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने साफ कहा था कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार आए तब बिहार में आरक्षण की शुरुआत हुई है। हालांकि इसको लेकर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसको हास्यास्पद कहा है और इस पर टिप्पणी की है। साफ उन्होंने कह दिया है कि जिस तरीके से संजय जायसवाल इस तरीके का बयान दे रहे हैं, ज़रा वो जान लें कि नीतीश कुमार कैसे कर सकते थे, क्योंकि जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से वो एनडीए के साथ थे और एनडीए में थे, इसलिए उससे पहले वो कर ही नहीं सकते थे। तो इस तरीके का बेतुका बयान जो है वो नहीं देना चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया है कि जिस तरीके की बात है और श्रेय उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है तो ये ना करे। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप सुने। देखिए, संजय जायसवाल जी जो बोल रहे हैं उनका हास्यास्पद बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी आए तो आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने की, उसके पहले नहीं किया। भैया, उसके पहले किस हैसियत में नीतीश कुमार जी करते? मुख्यमंत्री बने तब से उनके ऊपर जवाबदेही आई ना, उसके पहले कैसे करते, तो बोलना ही अपने आप में फिजूल की बात है। जब सीएम बने वहाँ से उन्होंने शुरुआत की है, और सीएम बने तो जो कमिटमेंट था वह कमिटमेंट एनडीए के साथ रहे हों, एनडीए के अलग से अलग रहे हों, लगातार उनका कमिटमेंट सोशल जस्टिस के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी के लोग श्रेय लेना चाहते हैं कि हम थे इसलिए हो गया। सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी के लोग तो टोटल आरक्षण विरोधी हैं, तो नीतीश कुमार जी हैं जिनके दबाव में कहिए या उनकी नीतीश कुमार जी की काबिलियत कहिए, इन लोगों को रहते हुए और नीतीश कुमार जी ने जो चाहा सोशल जस्टिस को लेकर वह किया, बीजेपी के लोग चाहकर भी वहाँ कुछ नहीं कर पाए, तो इसलिए हो पाया। इसमें बीजेपी का कहाँ मामला है, बीजेपी भले साथ रही हो लेकिन टोटल सोशल जस्टिस के खिलाफ की पार्टी है, यह सब लोगों को मालूम है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उनका साफ कहना है कि बीजेपी जिस तरीके से हास्यास्पद वाली बातें कर रही है वो जानबूझ के इस तरीके की बातें कर रही है, और जहां तक बात है विचारधारा की और जहां तक बात है आरक्षण की, तो नीतीश कुमार ने हमेशा इसके पक्ष में कहा है और जब से एनडीए की सरकार है तब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो ऐसे में इससे पहले किस तरीके से वो आरक्षण दे सकते थे? उससे पहले ना तो वो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ना उनको आरक्षण देने का हक था, और ऐसे में जब एनडीए सरकार बनी तो नीतीश कुमार ने सबसे पहला कदम उठाया, और ये जो श्रेय लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है वो ना करे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।